सो हेलो एवरीवन, दिस इज जुअल। और इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स, जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है। और इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स के अंदर बनाया हूँ। ऑलरेडी एक सर्कुलर मोशन हमारा हो चुका है, रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर रहा हूँ इसके अंदर। ऑलरेडी सर्कुलर मोशन अगर आपने नहीं देखा है तो उसको 20 मिनट के लिए MHTCET के लिए फर्स्ट डिविजन कोर्स की तरह कराया है मैंने, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद इस वीडियो के अंदर हम रोटेशनल मोशन को पूरा MHTCET के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पीड में देखेंगे, जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट एक बार ब्रश अप मग अप रिवीजन हो जाए अच्छी तरह से। और इसको आप सही से देखिए, क्योंकि इसके अंदर आपका पूरा MHTCET का क्या क्वेश्चंस आएंगे, उसके ऊपर थ्योरी, उसका फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन, वो सारा का सारा मैंने इसके अंदर कवर कराया है। ये वीडियो 20 मिनट के अंदर आपको ऐसा तरीका देने वाला है जिसके ऊपर से आप सबसे बेस्ट स्कोर कर सकते हैं, आप इस थ्योरी को और इस फॉर्मूलों को पढ़ के। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट एट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर। सो लेट गो। मोशन को देखते हैं, अगर रोटेशनल मोशन में हम जा रहे हैं तो हमें पहले पहले कुछ कुछ रिलेशन शुरुआती में ही पता होने चाहिए, जैसे कि लीनियर और एंगुलर के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे लीनियर मोशन के अंदर ऑलरेडी मैंने सर्कुलर में भी ये सब रिलेशंस बताए थे, पर सर्कुलर के अंदर मैंने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रिलेशंस बताए थे। यहां भी मैं बताने वाला हूँ कि लीनियर और एंगुलर के अंदर रिलेशंस क्या हो जाते हैं, जिसके वजह से हमको एंगुलर या फिर हमें रोटेशनल पढ़ना पड़ता है। सो स्टार्ट करते हैं पहले लीनियर के अंदर, हम बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वही एंगुलर के अंदर फोर्स कंसेप्ट टर्न हो जाता है, टॉर्क लगने लगता है उसके ऊपर, और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, जहां पे एम जो है ये एनालॉगस होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। ये क्या है, इसके ऊपर थोड़ी देर में बात करेंगे। एक्सेलरेशन इज एनालॉगस टू एंगुलर एक्सेलरेशन। सो ये फॉर्मूला हो जाता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। इसके बाद वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लीनियर में होता है, एंगुलर में हो जाता है वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद ये जो है ये पावर का फॉर्मूला है, पी पी मतलब पावर, याद रखेंगे पी मतलब ही एंगुलर मोमेंट, लीनियर मोमेंटम भी होता है, बट यहां पे अभी पावर का मैं यूज कर रहा हूं। पी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अलग रखता हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का मतलब होता है वेलोसिटी, देयरफॉर हम बोल सकते हैं पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। So, ये फॉर्मूला बनता है जो आपको याद रखना है पावर के टर्म्स में। वही अगर मैं एंगुलर में बात करूंगा तो पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है। सो इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे। इसके बाद अगला फॉर्मूला बात करूंगा तो ये है लिनियर मोमेंटम। लिनियर मोमेंटम पी से बताया जाता है, फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू एम बी। सो वही पी इज इक्वल टू एम बी, जहां पर पी जो है ये मोमेंटम है, दोनों ध्यान रखेंगे। एंड एल, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, जो पी लिनियर के अंदर हम पी से बताते हैं मोमेंटम को, वही एंगुलर के अंदर एल हो जाता है। सो फॉर्मूला वही चेंज होकर हो जाता है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। इसको हम कभी भी ऐसे भी लिखते हैं L is equals to MVR। अब ये कैसे होता है इसको थोड़ा दिखाना चाहूंगा मैं। सो ये देखिए, पहले तो हमको पता है कि I का मतलब होता है MR square, क्योंकि यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सीखा हुआ है ऑलरेडी बेसिक्स में। एंड इसके बाद ओमेगा होता है V, V is equals to R ओमेगा होता है, मतलब अगर मैं ओमेगा का फॉर्मूला लिखूंगा तो इट बिकम्स V by R, यहां R से एक R कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा MVR, बराबर है या R एक बचने वाला है। So, L का हमको फॉर्मूला ये भी ध्यान में रखना है कि L is equal to MVR, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, या आपको लीनियर का अंदर फॉर्मूला ऑलरेडी हम बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एंगुलर, अगर एंगुलर काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो E is equal to half I ओमेगा स्क्वायर, वही m I पे चेंज हो जाता है, एंड लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है। ये सारी बात हो गई हमारी बेसिक टर्म्स की जो हमको पता रहना चाहिए विद स्टार्टिंग द लेसन, क्योंकि ये सारे डेरिवेशंस हैं फॉर, जैसे कि ये डेरिवेशन हम करते हैं 3 मार्क्स के लिए, देन ये डेरिवेशन भी हमने किया हुआ है और ये डेरिवेशन भी हमने किया हुआ है और ये 12th के अंदर है। सो ये डेरिवेशंस करके हमने फॉर्मूला निकाला है, लेकिन यहाँ पे हम MHTCET का कर रहे हैं तो वी विल डू अ फर्स्ट। अगर आपको ये वीडियोस को डिटेली पढ़ना है कि इसका डेरिवेशन क्या है तो यू कैन चेक माई चैनल, उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि थ्योरी लेक्चर्स इसके हैं जिसके ऊपर मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, एंड यू कैन गेट द थ्योरी नॉलेज एज वेल। सो हम इसके ऊपर बात करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, एंड ई इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ऐसे सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है, एंड वेयर पी पावर है, वी वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारे कुछ पॉइंट है जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आगे चले, ये सारा पॉइंट आपको पता चल चुका है। इसके बाद हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ऑलरेडी आई इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू n या mr स्क्वायर होता है। हम कभी कभी इसको आई इज इक्वल टू mr स्क्वायर भी लिखते हैं या mk स्क्वायर भी लिखते हैं,
सो ये फॉर्मूलेज भी काम आते हैं। के मतलब होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, जो आपको पता है, ठीक है। इसके बाद एसआई यूनिट अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई यूनिट, सो इट इज केजी मीटर स्क्वायर, एंड ये एक स्केलर क्वांटिटी है, आपको ध्यान में रखना है ये। इसके बाद अगर बात करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये बात पूछ ली जाती है एमएचटीसीटी के अंदर, तो ध्यान में रखेंगे। पहला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास, उस बॉडी का कितना मास है उसके ऊपर डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, उस रिजिड बॉडी के ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूट हुए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होने वाला है। इसके बाद पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से वो रेडियस ऑफ मतलब वो रिजिड बॉडी है जहां उसका पोजीशन है, ठीक है, एक्सिस का, उस हिसाब से भी डिपेंड करता है। कोने में रहेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, इधर रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बीच में रहा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज। सो पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से वो रोटेट कर रहा है, इट इज ऑल्सो डिपेंड कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाला है। इसके बाद शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, कैसे उस बॉडी का शेप है, साइज है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाला है। सो ये बातें जो थ्योरी में नहीं बताई जाती है, एमएचटीसीटी में पूछ ली जाती है। So, ये ध्यान में रखना है और ये सारी चीजों को ध्यान में नोट्स बनाते जाएंगे ताकि आपको इसके लिए लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी काम आए। आगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज, अब डिफरेंट बॉडीज के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। हमको पता है, मैंने थ्योरी में भी बताया कि रॉड का, रिंग का, डिस्क का, हॉलो स्फीयर का और सॉलिड स्फीयर का, ये पांच बॉडीज है जिसके ऊपर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे और वो भी उसमें अलग अलग पोजिशन पे रखने के बाद उनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं ये भी हमें पता रहना चाहिए। सो इसके ऊपर मैंने थ्योरी बना के रखी हुई है। हम मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले के डिस्कस कर रहा हूँ कि डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे आ गया इसका। इफ यू वांट द थ्योरी देन सर्च माय चैनल, यू कैन गेट ऑल दैट थ्योरी एज वेल। आगे अगर पहली बात करूंगा मैं रॉड की, रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम इट सेंटर ऑफ मास क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड आईसी इज इक्वल टू एमएल स्क्वायर अपॉन 12। अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कोई पूछे सेंटर से क्या है तो दैट इज एमएल स्क्वायर अपॉन 12। इसके बाद अगर कोई पूछता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड फ्रॉम इट्स एंड वन एंड, मतलब ये सेंटर है और एक एंड से आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालने को बोला, मतलब इस एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होने वाला है। सो पहली बात तो अगर मैं पहले वाले में नहीं बताया डिस्टेंस इज एल पूरा, सो अगर मैं बोलूं यहां से यहां तक का निकालना है तो मेरे को यहां का डिस्टेंस पता रहना चाहिए। सो द डिस्टेंस इज एल बाय 2 क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस एल है, तो राइट। अब यहां से यहां तक का निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला आई ओ इज इक्वल टू 1 एंड लिखा है, इसलिए ओ लिखा है ml स्क्वायर अपॉन 3। अब एक बात कि ये सारी चीजें आ किधर से रही है, तो इसका डेरिवेशन कराते समय आपको दो थ्योरम पते रहने चाहिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये जो पैरेलल का रिलेशन बताता है उसके अंदर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं, जिसके अंदर परपेंडिकुलर का रिलेशन है उसमें हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। सो ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी तो ये देखने में मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, और कैसे आपको ये सॉल्व करना है ये भी आपको पता रहना चाहिए, सो दैट यू कैन फंसे नहीं कहीं पर भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय। आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, अगर कोई पूछता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या एग्जाम में आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिड पॉइंट से क्या है, सो वही सेंटर वन एंड और ये मिड पॉइंट हो जाता है उसका, तो ये एल बाय 2 है तो ये हो जाता है एल बाय 4। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट इज 7 ml स्क्वायर अपॉन 48। कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, तो अगर कोई इसका रेडियस ऑफ गायरेशन पूछे तो यहीं पे करा देता हूं, यू विल गेट 5। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम के स्क्वायर होता है, बराबर है। और अगर हम सेंटर से निकाल दें तो सी लिख देता हूं यहाँ पे, विच विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12। यहाँ एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो के सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 12। और अगर मैं सिर्फ के की वैल्यू निकालना चाहूंगा, राइट, तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग हटा दूंगा तो ये स्क्वायर से परफेक्ट है, ये तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 4/3 हो जाएगा, सॉरी अंडर रूट 12 हो जाएगा, 12 का मतलब होता है अंडर रूट 4/3, यहां से 4 बाहर आ जाएगा तो बिकम्स 2 और रूट 3 अंदर ही बेचारा फंसा रह जाएगा। सो द फॉर्मूला इज रेडियस ऑफ गायरेशन फ्रॉम इट्स सेंटर इज एल बाय 2 रूट 3। सो इसको ध्यान में रखेंगे, ऐसे ही आप इसका भी निकाल सकते हैं और इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको खुद से कोशिश करेंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल है। सो अब यहां तक के बाद हम इस अगले पार्ट पे चलते हैं जो कि हमको निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू रिंग। तो आप आगे बात करते हैं कि बॉडीज अलग अलग हैं, जैसे कि रॉड का है तो रॉड का तो अभी हमने देखा कि अलग अलग पोजीशंस पे क्या होंगे उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का निकालना है, डिस्क का, सॉलिड स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का। सो अब उसकी बात करते हैं, पहले बॉडी मैंने अभी इसमें कंपैरिजन करके बनाया है जिससे आपको फटाक से एट अ ग्लांस सब समझ में आ जाए और आप अच्छी तरह से याद कर सके एग्जाम में, कंपैरेटिवली याद करेंगे तो आसान भी पड़ जाएगा। दूसरी बात, अगर आप थ्योरी से भी करेंगे, थ्योरी से समझ कर, तो भी बहुत फायदेमंद रहेगा आपको। सो एट योर विश, आपको कैसे अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट, पहले बॉडी है, बॉडी के अंदर रिंग ले रहे हैं हम, पहले रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेंटर से निकालेंगे तो एम आर स्क्वायर आता है, एंड अलॉन्ग टेंजेंट निकालेंगे 2 mr² आता है, और वही अलॉन्ग इट्स डायमीटर निकालेंगे तो mr² / 2 है। वैसे ही अलग डिस्क का निकालेंगे तो mr² / 2,
along tangent 3 by 2 mr square and ऐसे along its diameter is mr square by 4. अगेन हॉलो स्फीयर का अगर हम निकालेंगे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2 by 3 mr² आता है सेंटर से, अलोंग टेंजेंट 5 by 3 mr² आता है. डायमीटर से निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इट नॉट हैपन. नेक्स्ट जॉली स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से 2 by 5 mr² एंड अलोंग टेंजेंट 7 by 5 mr². सो ये बॉडीज के अलग अलग बॉडीज की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग पोजिशन है जो आपको याद रखने हैं और आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन ऐसे MHtcet के इसके बेसिस पे पूछ सकते हैं. So remember, और इसको अगर थ्योरी से देखना है सो अगेन बता रहा हूँ कि चैनल रिकमेंड करो, इसके अंदर सब कुछ वीडियो थ्योरी के साथ और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके सिखाया हुआ है. आगे रोलिंग मोशन की बात करेंगे क्योंकि यहां तक हो जाता है हमारा हाफ ऑफ द मेजॉरिटी पार्ट खत्म हो जाता है, इसके बाद रोलिंग मोशन आता है. एंड रोलिंग मोशन काइनेटिक एनर्जी रोलिंग, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ये दो पॉइंट की वजह से एक बॉडी रोल हो रही है, मतलब उसके अंदर दोनों टाइप का मोशन है ना, काइनेटिक भी मतलब रोटेशनल भी कर रहा है एंड देन उसके बाद वो ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है, और वो ऑफकोर्स अगर मूवमेंट में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम जब रोलिंग का बात करते हैं तब एक एनर्जी डेवलप होती है, उस एनर्जी को हम काइनेटिक बोलते हैं. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अब हाफ एम स्क्वायर, ट्रांसलेशन में होता है, रोटेशनल में होता है हाफ आई ओमेगा. सो इसको एडिशन किया, इसको हम सॉल्व करते जाएंगे, जैसे कि आई की जगह पर एम आर स्क्वायर डाल देंगे आप और ओमेगा की जगह पर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डाल देंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये दोनों टर्म्स के अंदर एम वी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकालने के बाद यहाँ बच जाता है 1 प्लस यहाँ पे बचता है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और बाकी सारी चीजें फॉर्मूला वही रह जाता है, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी रोलिंग इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. सो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है जो आपको बहुत बार वैल्यूज पुट करके काम आएगा. अब इससे भी अच्छी चीज, अगर MHtcet के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ऐसे तो नहीं कि फॉर्मूला लगा के खत्म कर देना है, थ्योरी दे रहे तो करनी है नहीं, यू हैव टू सॉल्व, और उसके अंदर बहुत सारा क्वेश्चन रोलिंग मोशन के ऊपर पूछा जाता है. सो उसके ऊपर ध्यान रखना है कि हमें सबकी वैल्यूज याद रहनी चाहिए. तो जैसे कि वैल्यूज फॉर मैंने अभी यहां बता के रखा है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, जैसे रिंग के लिए होती है 1, डिस्क के लिए होती है हाफ, हॉलो के लिए होती है 2 by 3 और सॉलिड के लिए होती है 2 by 5. तो ये ध्यान में रखना है कि स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू डिफरेंट बॉडीज के लिए क्या क्या है, ठीक है. अभी कैसे आया है सो एक हिंट दे दूंगा कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कोई बोलता है कि हमको के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वैल्यू आई किधर से, सो अभी एक बात बताओ मेरे को, एज वी नो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, अब ये देखते हैं कैसे निकलता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं रिंग का निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग कितना, थोड़ा अच्छे तरह से लिख देता हूँ उसको, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप रिंग का निकाल दे तो इट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर एंड इसके बाद इसका फॉर्मूला आपको पता है एम के स्क्वायर होता है विच विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर एंड देन उसके बाद एम से एम गेट्स कैंसिल, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपको 1 आ गई. इन द सेम वे यू हैव टू अप्लाई फॉर रिंग, वैसे ही आप डिस्क के लिए भी निकाल सकते हैं, हॉलो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, यही हिंट लगानी है, वहां पे हाफ मिल जाएगा आपको बस. आगे बात करूंगा काइनेटिक एनर्जी अगर आपको अलग अलग बॉडीज की फाइंड करनी है तो उसके लिए एमवी स्क्वायर ये हो जाता है मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी फॉर रिंग, ठीक है, क्योंकि अगर आप के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू डालोगे यहाँ पर 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 बिकम्स कैंसिल, सो एमवी स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है रिंग की, एमवी स्क्वायर. वैसे ही अगर आप डिस्क की देखेंगे तो 3 बाय 4 एमवी स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी, हॉलो और सॉलिड के लिए भी आप चेक कर सकते हैं 5 बाय 6 एमवी स्क्वायर, 7 बाय 10 एमवी स्क्वायर. ये वैल्यूज अगर यहाँ पुट करके देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है, ट्राई करेंगे. इसके बाद आगे बात करता हूँ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है. सो वेलोसिटी का फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है और इस बेसिस पे हम निकालते हैं कि सबसे पहले एक बॉडी अगर हमने रोल कराई है तो सबसे पहले कौन सी बॉडी नीचे आएगी. सॉलिड स्फीयर का पहला नीचे आएगा, डिस्क आएगा, हॉलो स्फीयर आएगा, रिंग आएगा. सो ये ध्यान में रखना है SDHR का रूल, इसके अंदर ये ध्यान रखना है सॉलिड स्फीयर कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड स्फीयर सबसे पहले नीचे पहुंचेगा, उसके बाद डिस्क, उसके बाद हॉलो स्फीयर और सबसे लास्ट में सबसे लो वेलोसिटी जिसकी रहती है वो होता है रिंग, ठीक है, बात ध्यान में आ रही है. अगर कोई पूछेगा इसका वाइस वर्सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा किसका रहेगा, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा रिंग का होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका. सो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कंपैरेटिव स्टडी करके, दिस इज व्हाट अबाउट द वेलोसिटी क्वेश्चन पूछा जाता है सीटी में. सो इसके बेसिस पे फॉर्मुलेस और आपको कंसेप्ट आने चाहिए. देन इसके बाद एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं या फिर इस पे आपको के जी की वैल्यू दी रहेगी या फिर थीटा का एंगल दिया रहेगा एंड दे विल टेल यू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग. अब आपको पता होना चाहिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा रिंग के लिए 1 है, सो आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं. ऐसे ही डिफरेंट बॉडीज के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, अलग अलग स्पेस के लिए आप फाइंड कर सकते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन
ऐसे लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टी। ऐसा 2017 में क्वेश्चन से आया हुआ था सीडी में कि इन टर्म्स ऑफ टी आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। आपको सिर्फ मैनिपुलेट करके v = u + at इस कांसेप्ट को सिर्फ लगाया है इन्होंने और इस कांसेप्ट के बेसिस पे उन्होंने ये फॉर्मूले को एक्सेलरेशन के टर्म पे टी पे लेकर आकर टाइम के रिलेशन में सॉल्व किया है। ठीक है, सो आप इस फॉर्मूले को भी याद रखें, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए या क्या पता इसके ऊपर ही न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये सारा सारा रोटेशनल मोशन मैंने कवर करा दिया इन वन शॉट लेक्चर और इसको पूरी तरह से खत्म करा दिया है एज पर MHTCET पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक जितना समझाया सब समझ में आएगा। इफ एनी डाउट इज देयर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड फॉर सीइंग दिस ऑल वीडियो, थैंक यू।